अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपके सामने में स्टडीज सेकेंड ईयर और बी कॉम पार्ट वन दोनों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि टू फाइंड न्यू मीन, आप नया मीन मालूम करके दिखाएं इफ ए नंबर इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड, अगर उसके अंदर एक नंबर ऐड कर दिया जाए या फिर एक नंबर खारिज कर दिया जाए। ठीक है, अब ये देख तरीका देखें, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा सेकेंड ईयर में तो मस्ट है। ठीक है, बी कॉम पार्ट वन में शाज़ो नाज़िर आ ही जाता है, लेकिन ये सेकेंड ईयर में तो मस्ट है, हर साल सवाल इसमें से एक आता है। ये मैंने आपके सामने जो है एक से ले के तकरीबन 8 तक सवाल लिखे हैं। ठीक है, मैं आपके सामने थोड़ा सा शो कर देता हूँ, आप पॉज करके इनको देख लीजिएगा। पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, उसके दो पार्ट हैं, फिर तीसरा सवाल है, इसके भी दो पार्ट हैं, चौथा सवाल आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ तक, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। पांचवा सवाल स्टार्ट हो रहा है, देख लें अभी यहाँ से, पॉज करके देख लीजिएगा। छठा सवाल देखें, ये आ गया। सातवां ये आ गया, छठे सवाल के दो पार्ट हैं हमारे। सातवां सवाल जो है सिंगल है, और आठवां सवाल, और इसके आंसर जो है आपको नीचे दे रखे हैं, देख लें। ठीक है, ये आंसर नीचे लिखे हुए हैं, आप ट्राई योर सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको दो तीन सवालों की प्रैक्टिस करा देता हूँ, इसके अंदर बिल्कुल जिस तरह मैं आपको करा रहा हूँ इसी तरह से आपने करना है। सारे सवाल एक ही मेथड के हैं, तो इसलिए कोई मसला परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, दूसरे अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने जितने रिलेटिव्स हैं उनको शेयर करें। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट कोर्स आपको करा रहा हूँ, आप इसकी मदद से अपनी मुकम्मल 100% तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। चलें भाई, आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये सवाल नंबर एक आ चुका है। ठीक है, ये ले स्टूडेंट, आपके सवाल सामने ऊपर तो सवाल लिखा हुआ है, नीचे मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अब इसका तरीका समझ लें कैसे करते हैं इसको। ठीक है, मैंने जैसे भी आपको बताया है कि इसमें न्यू मीन मालूम करना है आपको। ठीक है, न्यू मीन, नया आपने मीन मालूम करके दिखाना है। अब सवाल की नौीयत कुछ यूँ है कि क्वेश्चन नंबर वन, ये मैं आपको रीडिंग करके सुना रहा हूँ। द मीन ऑफ 25 वैल्यूज इज 56। आप इतना पढ़ेंगे जितना मैंने आपको पढ़ाया है। द मीन ऑफ 25 वैल्यूज इज 56 पढ़कर आपने ये जो शुरू का काम है ये सारा का सारा कर लेना है, जैसे भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। फिर बाद में आपने ये काम करना है, इफ़ ए वैल्यू 82 इन इंक्लूडेड इन द डेटा देन फाइंड द न्यू मीन, यानी 82 को अगर इस डेटा के अंदर जमा कर दिया जाए तो बताइए नया मीन क्या होगा। ठीक है, तो बेटा ये जो मैंने आपके सामने बोल्ड किया हुआ है, द मीन ऑफ 25 वैल्यू इज 56, इसको लेके चलना है। पहले हमें हर सवाल में आपको ये ही लेके चलना है, देखिए ये जो शुरू को लिखा ना ये ही लेके चलना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम वी फाइंड द सम ऑफ डेटा, समीशन ऑफ एक्स मालूम करेंगे। सम ऑफ डेटा, समीशन ऑफ एक्स मालूम करेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर देखें बेटा 25 वैल्यूज तो दे दी गई है ना, ये तो एन की कीमत आ जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई आपकी, और ये 56 जो है ये इसके अंदर मीन है, तो हमें इसके अंदर समीशन ऑफ एक्स नहीं पड़ रहा। तो पहले हम मालूम करेंगे सिग्मा एक्स या समीशन ऑफ एक्स, इसको सम ऑफ डेटा कहते हैं। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं, हेयर मीन बराबर है एक्स बार के, एक्स बार बराबर है 56 के। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी वजह भी लाइनिंग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चले देख रहे, ये देखें 25 वैल्यू देना, ये तो आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई 25, ये आ गई 25 वैल्यूज आ गई, ये कोई अलग है एन। अभी ये जो मीन ऑफ 25 वैल्यू इज 56, ये 56 जो है ना आपके पास, ये है एक्स बार यानी मीन, ये आ गया आपका 56। ठीक है, ये दोनों चीज़ आ गई। अब हमें सम ऑफ डेटा यानी समीशन ऑफ एक्स क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसके अंदर। ठीक है, हो गया नहीं हो गया, यहाँ तक कर लिया। पहले हम इसका डेटा बना देंगे पूरा का पूरा, जिस तरह आप फिजिक्स के नॉमिकल्स के अंदर, केमिस्ट्री के नॉमिकल्स के अंदर करते थे 9वीं 10वीं में, इस तरह इसके अंदर बना लेंगे आप लोग। ठीक है, क्लियर। अभी डेटा बनाने के बाद हम नीचे लिखेंगे फार्मूला इसका, वो तो आप जानते ही हैं, मीन का फार्मूला आपको पक्का याद है। वी नो दैट सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू एक्स बार,
देखिए इसमें फार्मूला मैंने उल्टा लगाया है, क्योंकि मैं इसमें समीक्षण ऑफ एक्स यानी सिग्मा एक्स मालूम कर लेना, इसलिए मैंने फार्मूला उल्टा लगा दिया, एक्स बार को उधर कर दिया और सिग्मा एक्स अपॉन एन इनको उधर कर दिया। अब ये सिग्मा एक्स जो है ना बेटा, ये यहीं रह जाएगा और ये एन यहाँ पर इसके साथ डिवाइड कर रहा, उधर के करेगा मल्टीप्लाई, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो सिग्मा एक्स की कीमत क्या आ जाएगी, एक्स बार मल्टीप्लाई बाई एन, ठीक है, ये आगे समझ में। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ये लिख दिया मैंने यहाँ तक। अब मैं लिख के दिखाऊंगा आपको कि कहाँ से क्या क्या उठा के लेके आया हूँ मैं। देखिए बेटा ये फार्मूला आपके सामने आ गया ना, सिग्मा एक्स बराबर एक बार एन, ये फार्मूले के अंदर सिग्मा एक्स तो आप ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा है ऐसे लिखेंगे, बराबर का निशान डालेंगे, एक्स बार की जगह पर जो है 56 उतार लें, ये आ गए, ठीक है। एन की जगह पर आप 25 उतार लेंगे, ये उतार लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर पर, आप मल्टीप्लाई कर लें फौरन 56 निकाल ले सकते हैं कैलकुलेटर, 56 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 1400 यानी 1400 आ जाएगा, ये आ गया आपका सिग्मा एक्स। क्या आ गई ये समीक्षण ऑफ एक्स, ये सिग्मा एक्स आपके पास आ चुका है, ये है हमारा पुराने वाले मीन का, जो पुराना मीन कितना था 56, उसका 1400 आ गया, यहाँ तक काम कर लिया हमने। ये जो हमने मैंने आपको वजाहत करी थी ना, देखिए ये ऊपर वाले लाइन पे आ जाए जरा, फिर द मीन ऑफ 25 वैल्यूज इज 56, ये कर लिया मैंने इसका काम, ठीक है, पुराना सिग्मा एक्स मालूम करके दिखा लिया, यानी आपको जो पीछे वाले सवाल था ना 56 25 वैल्यू का, उसका सिग्मा एक्स आपने मालूम कर लिया, यहाँ तक आगे समझे, चले आगे चलते हैं। ये काम सब सवालों में आपने करना है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, शुरू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। इफ ए वैल्यू इज 82 इज इंक्लूडेड, ये लिखा ना, अगर 82 एक नई वैल्यू है वो उसको इंक्लूड कर दिया जाए यानी प्लस कर दिया जाए, तो बताइए नया मीन क्या होगा, ये मालूम करना हमने। नाउ अब जुमला लिखें आप, ठीक है, सेंटेंस लिखें आप, नाउ इफ 82 इज इंक्लूडेड इन द डेटा, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी वजाहत कर दूं मैं आपको फटाफट ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये पूरे का पूरा जो था ना ये वाली चीज, इफ ए, ये देखिए ये चीज है ना पूरी इन द डेटा, ये है ना ये वाली पूरी लाइन, ये मैंने उठाई और ये लिख दी पूरी की पूरी ऐसी की, देखिए ये लिख दी, ये पूरी लाइन मैंने उठा के लिख दी, नाउ इफ 82 इज इंक्लूडेड इन द डेटा, ये लिख दिया। अब उसके बाद क्या जुमला लिखना है, न्यू समीक्षण ऑफ एक्स, अब हमें नया सिग्मा एक्स मालूम करना है, वो पुराने सवाल वो पुराने मीन का हमने मालूम कर लिया था ना, अब हमें न्यू मालूम करके दिखाना है, क्योंकि अब 82 इसमें प्लस भी तो करना हमने, चले अभी शुरू करते हैं। न्यू सिग्मा एक्स बराबर है, पुराना वाला कितना था मेरा, ये ऊपर देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको 1400, मालूम कितना पुराना वाला, ये आ गया 1400। अब इंक्लूड को जैसे लग रहा है अगर प्लस का निशान लगा दिया करें, इंक्लूड जो है प्लस के निशान के बराबर होता है, ठीक है, ये आगे प्लस का निशान इंक्लूड की वजह से, कितने इंक्लूड कर लिए 82 को, ये ले जी 82 भी मैंने कर लिया, दो हो गए जमा करने कितने हो गए 1482 यानी 1482, ठीक है 1482 आ गया आपके पास, ये जमा कर लिया आपने। अब नंबर ऑफ वैल्यूज पर जरा गौर करें, पुरानी वैल्यूज कितनी थी सवाल के अंदर ऊपर देखें, ये देखो लिखी हुई नजर आ रही है आपको, ये मैंने देखे तीर का निशान लगा दिया, ठीक है, हेलो लगाना 25 वैल्यू थी पहले, अब हम एक रकम और जमा कर लेंगे तो कितनी हो जाएंगी सर, 26 हो जाएंगी फिर तो, ठीक है, याद रखना है भाई एक वैल्यू जमा करेंगे इसके अंदर, तो चुनाव नौ नंबर ऑफ वैल्यूज बराबर है एन, 25 वैल्यू तो ये वाली थी पुरानी वाली आ गई नहीं 25, एक और वैल्यू 82 भी तो जमा कर रहे हैं इसके अंदर हम, तो हो जाएंगी 26, ये आ गया एन की वैल्यू, ये आ गया आपका सिग्मा एक्स नया वाला, नया वाला कौन सा वाला, नया वाला है बच्चों, और ये आ गया एन, आगे नहीं आ गया। अब हमें एक्स बार न्यू मीन मालूम करना है, यानी ये जो मालूम करना था फाइंड करना था ना, फाइंड करना था न्यू मीन, ये वाली चीज ये मालूम करनी है बेटा, ये हमने यहाँ लिख दिया, देखना न्यू मीन एक्स बार मालूम करके दिखाना है, आगे समझे, ठीक है, चले आगे चलते हैं। चले फार्मूला तो हम जानते हैं बेटा क्या होता है, आपको पता है, चूंकि हम जानते हैं सिंस एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, फार्मूला सीधा करके इस्तेमाल करेंगे आप। अब ये 1482 जो है ना, ये 1482, अब मैं आपको फिर वजाहत करूँ थोड़ी सी भाई, करता रहूँगा मैं आपको वजाहत तो करता रहूँगा भाई, पक्का करना है आपको बिल्कुल, ये देखिए अब हमें समीक्षण आप एक्स की जगह ना नया वाला लिखना है हमने, ये 1482 ये लिखना है, और एन की जगह पर हमने 26 नई वाली वैल्यू लिखनी है 26, अब 1482 को 26 से डिवाइड कर दें फौरन, ले भाई 57 आंसर आपके पास आ गया, ठीक है, पहले था कितना 56, एक वैल्यू और जमा कर लिए आपने 82, अब आ गया 57, आगे समझ में, ऐसे करते सवाल ये बच्चों, हो गए क्लियर, चले हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं क्या लिखा है। ये भाई क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। इसके दो पार्ट हैं, दोनों ही पार्ट मैं आपको कराता हूँ, तो मैं पढ़ देता हूँ इसको। पहले क्वेश्चन नंबर टू की तरफ भी इशारा करते हैं। लिखा है द एम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। देखिए वैल्यूज लिखे हो या ऑब्जर्वेशन लिखी हो वो कहलाता है एन, नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन का लफ्ज एन के बराबर है। तो यहाँ पर 20 वैल्यूज दे रखी हैं आपको, ठीक है, ये एन कहलाएगा हमारे पास। और ये 50 जो है ना, ये मीन कहलाएगा। ठीक है, 50 जो है मीन कहलाएगा। लिख के दिखा दो तुम्हें ताकि आपको पक्का याद हो जाए। ठीक है, ये ले भाई, ये 20 जो है ना बेटा, ये 20 मैंने लाइन यहाँ लेके आया खींच के और लिख दिया मैंने एन। वैल्यू लिखी हो या ऑब्जर्वेशन लिखी हो, लिखना है कि ये, ठीक है। और 50 जो है ना, ये कहलाएगा एक्स बार मीन। क्या गायब है? अब देखें एन भी मौजूद है, एक्स बार भी गायब है। समीशन ऑफ एक्स मालूम करना पड़ेगा ना पिछले सवाल की तरह। बेटा मैंने आपको पहले बता दिया था कि सब सवाल एक ही तरीके कर लें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम समीशन ऑफ एक्स मालूम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो हो गया क्लियर। अब फाइंड द न्यू मीन मालूम करना पड़ेगा। पहले तो बेटा हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ए एम आर 20 ऑब्जर्वेशन इज 50, इसकी मदद से हम पहले मालूम कर लेते हैं एक चीज़। क्या? समीशन ऑफ एक्स। बाद में करेंगे ये बाद वाला काम, छोड़ दें इसको अभी इसके हाल पर। चले स्टार्ट करते हैं, अब नीचे लेके जाते हैं इसको थोड़ा। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ ले भाई, सोल्यूशन आ गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द सम ऑफ डेटा। पुराना वाला बच्चों, ओल्ड वाला करूँगा पहले मैं, पुराने वाले का, इसका 20 ऑब्जर्वेशन का 50 जो आपको मीन दे रखा है। चले भी शुरू करें। मीन बराबर एक्स बार। ठीक है, एक्स बार बराबर, चले मैं निशानदही भी कर देता हूँ थोड़ी सी ना, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मैं तो आपको फौरन निशानदही करता हूँ, आपको समझ में आता है ना। देखिए भाई 20 ऑब्जर्वेशन है ना, एन की कीमत आ गई आपके पास 20। ठीक है, 50 है ना, एक्स बार आ गया। क्या मालूम करना है? सम ऑफ डेटा मालूम करना पड़ेगा ना। चले भाई शुरू करें। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सिग्मा एक्स अपॉन एन बराबर एक्स बार। ये तो आपने पीछे भी किया, देखो बिल्कुल वही सवाल कर रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। चलो ऊपर चढ़ा दे थोड़ा सा। अब हम सिग्मा एक्स मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, एन या डिवाइड, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, सिग्मा एक्स बराबर है। पर अब एक्स की वैल्यू और एक्स बार की और एन की वैल्यू लिखते भाई। चलो यहाँ लिख के दिखा देते हैं हम आपको थोड़ी सी, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक्स बार, ये क्या लिखा? एक्स बार लिखा ना, तो एक्स बार की वैल्यू है 50। तो देखिए मैंने 50 ये लिख दी, बुझी, एक्स बार की जगह ये है ना एक्स बार। उसकी एन की वैल्यू कितनी है? 20, ये लिख दी मैंने। 50 और 20 को जरा कर लिया, कितने का 1000 आ गए पूरे के पूरे। ठीक है, 1000 ये आ गया पुराना सिग्मा एक्स आपका। अब हम पार्ट वन करते हैं। पार्ट वन में लिखा है एन ऑब्जर्वेशन 54 इज इंक्लूडेड इन द डेटा। अगर 54 को इसमें शामिल कर दिया जाए तो बताइए नया मीन क्या होगा, आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम यह करेंगे, नाउ 54 इज इंक्लूडेड जैसे अगर प्लस करना है आपने, तो पुराना सिग्मा एक्स के न्यू सिग्मा एक्स मालूम करेंगे आप। यहाँ पर बराबर है 1000, ऐसी कैसी ले देंगे आप। ये मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ, फिर लाइन के बताता हूँ आपको, सारी चीज़ें बताते रहता हूँ मैं तो आपको बच्चों। ठीक है ना, हाँ भाई वजाहत होनी चाहिए इंसान को। देखिए जी, ये 1000 पुराने वाला था, न्यू सिग्मा एक्स मालूम करना, 1000 लिख दिया हमने, और 54 इसके अंदर ऐड करना ना, ये कर दिया मैंने, तो ये 1054 आ गया आपके पास। अभी 1054 तो आ गया आपके पास समीक्षण ऑफ एक्स, नंबर ऑफ वैल्यूज। पहले वैल्यूज कितनी थी आपके पास? 20 थी ना, 20 बेटा, ये 20 लिखी ना ऊपर, देख रहे ये लिखा 20। 20 में एक ऐड कर लेंगे क्योंकि आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये 21 आ जाएगा। ठीक है, न्यू मीन बराबर है एक्स बार मालूम करना, क्वेश्चन मार्क, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब ये समीक्षण ऑफ एक्स नया वाला, और ये 21 नीचे वाला होता है, इसको डिवाइड करें, ये ले भाई जवाब आ गया फिनिश। ठीक है, अब इसका पार्ट टू भी याद रखिएगा, पार्ट टू भी करना है। यहाँ आगे इंक्लूड का चक्कर समझ में, जब इंक्लूड का चक्कर समझ में आ गया आपके, तो आगे देखें ऊपर सवाल में, जरा सवाल में देखिए क्या लिखा है। नंबर टू, एन ऑब्जर्वेशन इज 54 इज एक्सक्लूडेड। अब करना एक्सक्लूड, उसमें कर रहा था इंक्लूड, अब करना एक्सक्लूड। जैसे ही एक्सक्लूड का लफ्ज आप पढ़ें, फौरन माइनस का निशान लगाना है आपने, इंक्लूड में प्लस का और एक्सक्लूड में माइनस का। और फ्रॉम दैट डेटा, यानी पुराने सिग्मा एक्स में से। ठीक है, चलो भी करते हैं नीचे। देखिए पार्ट टू आ गया, नाउ इफ 54 इज एक्सक्लूडेड इन द डेटा, ये वाले जुमला उतार के पहले क्या वैसे क्या वैसे उतार ले, कोई मसला ही नहीं है बच्चों। ये ले आपको निशान भी लगा के दिखाता हूँ। ये देखें दूसरा वाला पार्ट लिखा ना,
एन ऑब्जर्वेशन 54 इज एक्सक्लूडेड, ये मैंने उठा के लिख दिया पूरा ऐसे के ऐसे यहाँ पर देखे, ये लिख दिया मैंने, लिख दिया नहीं लिख दिया, हो गया नहीं हो गया ये पक्का। चले गए अब न्यू सिग्मा एक्स मालूम करना, तो बेटा 1000 अभी ऊपर आ चुका पुराना वाला, अभी आपको बताया था। अब इसमें मानक निशान लाएंगे इस एक्सक्लूडेड की वजह से मानक निशान, और इस 54 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 946। ठीक है, ये 946 आगे माइनस करना है, याद रखें एक्सक्लूडेड में। अब नंबर ऑफ वैल्यूज पर जरा गौर करें, पहले कितनी थी सर? पहले सवाल दिखाइए जरा मुझे कितनी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। ये मैंने ऊपर चढ़ा दिया सवाल थोड़ा सा, ये देखें पहले कितनी थी 20, अब एक कम कर देंगे क्योंकि एक्सक्लूड किया है तो 20 माइनस एक करना पड़ेगा आपको, देखिए 20 में से एक गया 19। एक्सक्लूड करा जाया करें, एक माइनस कर दिया करें एक वैल्यू, ठीक है। इंक्लूड आया तो जमा करना ऊपर वाले में, देखें ऊपर वाले में मैंने जमा कराया था, ये देखें ये क्लियर नजर आ रहा होगा वो 20 जमा एक, अभी हम एक्सक्लूड है तो 20 माइनस एक कर दूंगा 19 आ गई। ले भाई न्यू मीन एक्स बार बराबर है, एक्स बार बराबर है सिग्मा एक्स समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन 946, ये उठा ले निशान लगा लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि 946 तो देखिए उठा रहा, ठीक है। और एन की जगह पर आप सॉरी 946 तो याद आ गया था, और ये वाला जो 19 ये नीचे आ गया, दोनों को डिवाइड कर दें 49.78 आंसर आ गया। भैया भाई ऐसे करते हैं, अगर दो पार्ट आ जाएगा तो इस तरह आगे पीछे करना पड़ता है, इनकी दोनों की वजाहत कर दी मैंने, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बेटा तीसरा सवाल भी ऐसी है, ठीक है, वो देखें तीसरा में क्या लिखा, तीसरे के भी दो पार्ट है, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, करना ऐसी है। अब इसमें एन की कीमत 25 है और 45 आशाइया 6 जो है इसके अंदर एक्स बार है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे करना। देखें मैं सामने आपके वाच कर लें, मीन की कीमत 45 आशाइया 6, नंबर ऑफ वैल्यूज 25 है, देखिए लिखी हुई है आपके सामने, थोड़ा सा निशान भी लगा के बता दूँगा अगर आपको समझ में आ जाए। ये देखें 25 वैल्यूज हैं, ये आ गए एन, और 45.6 आ गया सिग्मा एक्स मालूम करना है, वही प्रॉब्लम है सर से जैसे भी कराया था आपको, कराया ना ऐसी करना बिल्कुल, मैं आपको सामने शो करके दिखा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, लेकिन वही चीज़ आ रही है, ठीक है, वही वाली वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर लें 1140 आ जाएगा सिग्मा एक्स के अंदर। अब इसमें सवाल में लिखा था 30 को इंक्लूड किया जाए, देखो 30 को इंक्लूड ये जुमला लिख दिया मैंने, और फिर सिग्मा एक्स नया वाला मालूम करना है, ये 1140 में हम जमा कर लेंगे, ये जो 1140 आया ना मटेरियल इसमें जमा कर लेंगे 30, तो 1170 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है 25 रखनी थी ना पहले, 25 लिखी है ना, देखिए ये 25 लिखा है, जब मैं एक कर लेंगे 26 से डिवाइड कर देंगे 1170 का जवाब आपके पास हाजिर हो गया। अब दूसरी वाली ऑब्जर्वेशन में क्या था, दूसरी वाली में मैं थोड़ी सा करता हूँ, एन ऑब्जर्वेशन इज 12 इज एक्सक्लूडेड, अगर 12 को माइनस कर दिया जाए, ये नहीं 12 आ गया आपके पास, 12 को एक्सक्लूड कर दिया जाए अंदर डेटा, बिल्कुल सेम वही करना, बिल्कुल कहाँ इसका आंसर 47 आ जाएगा, ठीक है बेटा समझ में आ गया। तो इस तरह करते हैं आप, ये बाकी जो सवाल है ना आपके 1 से लेकर 8 तक दिए मैंने, 3 तो मैंने करा दिए, बाकी आप ट्राई ये सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगेगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को साथियों को शेयर कर लें, अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सकें, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।